माइक्रोमैक्स वापस आ रहा है लेकर इन यस। तो फाइनली माइक्रोमैक्स इंडियन ब्रांड इंडिया में फिर से वापस आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगा है सुन के और बहुत खुशी भी हो रही है और दिल से इसका स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। क्या बोलते हो इंडिया की जनता, क्या माइक्रोमैक्स को सपोर्ट करना है फिर से? यस करना है, लेकिन अगर ये पहली गलतियाँ फिर से नहीं करता है तो एक वक्त पे माइक्रोमैक्स इंडिया की एक नंबर की कंपनी बन चुका था। माइक्रोमैक्स ने सैमसंग जैसे स्मार्टफोन कंपनी को पछाड़ दिया था। इनकी प्राइस बहुत अच्छी थी और यादें भी ताज़ा हो जाती है क्योंकि उस वक्त पे मैंने और आप में से बहुत से लोगों ने इनके स्मार्टफोन को यूज़ किया होगा, है ना, किया होगा। बताना मुझे कि कौन कौन से स्मार्टफोन आपने माइक्रोमैक्स के यूज़ किए, कमेंट में बताना, यादें ताज़ा हो जाती है भाई, अच्छा लगता है सुन के। तो मेरा एक छोटा सा किस्सा है जो कि आपको बता दूँ, मेरा उस वक्त पे बजट था ही नहीं, ऐसा पकड़ लो। मैंने पापा से कुछ 5 या 6 रुपये लिए थे स्मार्टफोन के लिए, तो मुझे चाहिए था एक ऐसा स्मार्टफोन जिसमें चाहिए था HD डिस्प्ले और 1 GB की रैम। उस वक्त पे सैमसंग स्मार्टफोन थे ग्रैंड क्वाट्रो और ग्रैंड नियो नहीं था, ग्रैंड 2 था। तो इनकी प्राइस थी 17,000 से 23,000 के बीच में, तो इतना बजट तो मेरा था ही नहीं, सोच नहीं सकता था कि इतना पैसा मैं इन्वेस्ट करूं क्योंकि मेरी औकात नहीं थी भाई, सच बोलूं तो बजट था ही नहीं, लेकिन 10,000 तक लेके आया था बजट कैसे तैसे जुगाड़ करके। तो उस वक्त मुझे मिला था कैनवास HD जो कि HD का डिस्प्ले था और 1 GB की रैम थी। उसको मैंने बाय किया और बहुत अच्छा स्मार्टफोन मुझे लगा, मैंने इसे यूज़ किया लगभग 1.5 साल तक। लेकिन उसमें इशू था कि उसका टच काम नहीं कर रहा था, उसका डिस्प्ले प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। तो मैंने इसके सर्विस सेंटर में गया, उसके बाद में उसका डिस्प्ले चेंज किया था, लेकिन मुझे वहाँ पे एक प्रॉब्लम आई थी कि उन लोगों ने मुझे डुप्लीकेट यानी कॉपी डिस्प्ले डाल दिया था सर्विस सेंटर में। इतना बड़ा किस्सा हुआ था माइक्रोमैक्स के साथ में, तो ये थोड़ी दिक्कत लगती है कि उनका सर्विस सेंटर इतना वो लेवल का था ही नहीं, सब कुछ वहाँ पे चल रहा था, 1-2 नंबर में सब कुछ चल रहा था, तो सर्विस सेंटर इतने खास नहीं थे। साथ ही में उनके स्मार्टफोन 1 साल में दिक्कत दे रहे थे। किसी किसी के साथ में हुआ होगा, किसी के साथ में नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरा पर्सनली मैं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम आपको। तो ऐसी इनकी सर्विस थी, इनकी गलतियाँ थी, इसलिए एक वक्त पे ये टॉप पे गई, बाद में बिल्कुल नीचे आ गई और एग्जिस्ट ही नहीं की। और इनका जो सिस्टम था वो कॉपी पेस्ट पे डिपेंड था, इनकी R&D खुद की नहीं थी, इनका सॉफ्टवेयर खुद का नहीं था और सिस्टम अपडेट भी नहीं दे रहे थे। बस इनका जो मोटिव था वो था पैसे कमाना इंडिया के अंदर, बस वही था। तो ये चाइना से स्मार्टफोन को ला रहे थे कॉपी पेस्ट करके, इंडिया के अंदर माइक्रोमैक्स का ठप्पा लगा करके हमें स्मार्टफोन दे रहे थे, ओके। लेकिन इनका खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं था, अगर ये उस वक्त पे कर लेते तो आज माइक्रोमैक्स कंपनी नोकिया के बाद में, सैमसंग के बाद में एक नंबर पर रहती थी। नोकिया तो नहीं है फिलहाल, लेकिन सैमसंग के बाद में माइक्रोमैक्स इंडिया के अंदर टॉप पे चलती थी। लेकिन इनका सोच अलग था, इनका सोच था पैसे कमा लो, बस यही था। इन्होंने कुछ भी सर्च नहीं किया, रिसर्च नहीं किया, कुछ भी नया काम नहीं किया, खुद कुछ बना ही नहीं। तो ऐसे में होना ही है, कंपनी डूब नहीं है। तो ऐसे में जब चाइनीज़ कंपनी को पता लगा कि ये ऐसे कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट जब इंडिया में ठप्पा लगा के बेचे जाए तो हम क्यों ना इंडिया के अंदर आ जाए। तो जब माइक्रोमैक्स के साथ ही साथ चाइनीज़ कंपनी रेडमी रियलमी आ गए, अभी अभी तो रियलमी आई, इसके पहले रेडमी आई, बहुत से कंपनी आई, तो फिर माइक्रोमैक्स नहीं टिक पाई और एक ट्रस्ट जो रहता है ना वो बिल्ड ही नहीं कर पाई। कितनी भी चाहे कंपनी आ जाए लेकिन अभी भी सैमसंग स्टिल बरकरार है, क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी, उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनका बिल्कुल सर्विस सेंटर, सब कुछ आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही कमाल की है, भले प्राइस क्यों ज़्यादा ना हो। तो वैसा ट्रस्ट अगर माइक्रोमैक्स का हमारे साथ में होता तो अभी भी माइक्रोमैक्स जो है वो बहुत आगे निकल जाती थी, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो ठीक है, माइक्रोमैक्स इस बार जब आ रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी वो वैसे गलतियां नहीं करेगा और माइक्रोमैक्स 3 नवंबर से इंडिया के अंदर फिर से कमबैक करेगा। 3 नवंबर को ये अपनी इन सीरीज़ के साथ में स्मार्टफोन लाने वाली है। स्टार्टिंग प्राइस रहेगी 7,000 से लेकर 25,000 के रेंज में स्मार्टफोन बनाएगी और उसके बाद में भी ये अलग अलग स्मार्टफोन बनाने वाली है, 25 के ऊपर ही बनाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में ये प्राइस होने वाली है। अब स्टार्टिंग में पता चला है कि ये मीडियाटेक के साथ में आने वाले, तो मीडियाटेक G35, G85 के साथ में इनके स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही बात है कि ये पहले वाली गलतियाँ ना करें और जो स्मार्टफोन हमें अभी मिले तो उसके अंदर जो है ना वो ड्यूरेबिलिटी हो, साथ ही में रेगुलर अपडेट हमें मिले, सब कुछ जो उनके स्मार्टफोन बनेंगे उनकी क्वालिटी बहुत टॉप लेवल की हो, प्राइस थोड़ी ज़्यादा रहेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम प्राइस देने के लिए तैयार है, लेकिन स्मार्टफोन में क्वालिटी होनी चाहिए, आफ्टर सेल सर्विस इनकी जो सर्विस सेंटर है वो अच्छे होने चाहिए, हमें वहाँ पे हेल्प मिलनी चाहिए और हमें वहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि स्मार्टफोन तो ये बेच देते हैं लेकिन अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। तो ऐसे में अगर माइक्रोमैक्स इनके ऊपर ध्यान देता है तो बहुत अच्छा होगा। माइक्रोमैक्स के दावे बहुत बड़े बड़े, इस बार माइक्रोमैक्स बोल रहा है कि हम जो स्मार्टफोन में है ना वो स्टॉक एंड्रॉयड आपको देने वाले हैं, साथ ही में आपको जो है वो बिल्कुल क्लीन UI मिलेगा, इसमें कोई ब्लोटवेयर नहीं होने वाले, कोई भी एड्स नहीं होगी। एड्स होती है ना कि हम स्मार्टफोन को पैसे देते हैं लेकिन एड्स हमें देखने मिलती है, तो माइक्रोमैक्स इस बार आपको एड्स नहीं दिखाएगा। तो हम सभी लोग इसको लेकर एक्साइटेड है कि ये स्मार्टफोन सच में अभी हमारी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है और ये इंडियन ब्रांड है। तो अभी हम 10 में से 1 बंदे ने भी इसको कंपनी के स्मार्टफोन को बाय करना स्टार्ट कर दिया तो ये कंपनी रातों रात 1 नंबर पे पहुंच सकती है। लेकिन
बिल्कुल कंपनी के ऊपर हमारा जो ट्रस्ट है वो अगर सही से मैनेज कर पाते हैं, वो हमें वैसे सर्विस देते हैं, हमें वैसे प्रोडक्ट देते हैं, तो डेफिनेटली माइक्रोमैक्स फिर से रेडमी रियलमी ऐसे ब्रांड को पछाड़ करके एक नंबर पे आ सकती है अगर वो ऐसे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कराए तो। फिलहाल तो माइक्रोमैक्स ने दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के अंदर डाल रखे जो कि है महाराष्ट्र के भिवंडी और हैदराबाद के अंदर। तो यहाँ पे इनकी जो कैपेसिटी है वो एक महीने 20 लाख स्मार्टफोन ये बना सकती है। तो अभी स्मार्टफोन जो है वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होने वाले हैं, कुछ जो पार्ट्स होते हैं स्मार्टफोन के अंदर वो बाहर से ही आने वाले, स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग असेंबली जो सब कुछ होने वाला है वो इंडिया के अंदर होने वाला है। तो इस बार बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है। तो ऐसे में अब देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट कैसे निकल के आता है, 3 तारीख के बाद में देखेंगे कैसे कैसे स्मार्टफोन के आते हैं। जैसे ही स्मार्टफोन ये लॉन्च होंगे मैं ज़रूर से इसकी अनबॉक्सिंग, इसका रिव्यू करने वाला हूँ और देखूँगा कैसे स्मार्टफोन है। और पहली बार अभी हम किसी इंडियन कंपनी का स्मार्टफोन यूज़ करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो ऐसे में अच्छा लग रहा है। और आपको कैसा लग रहा है कि ये स्मार्टफोन कंपनी का स्मार्टफोन आएगा, तो क्या आप इसको बाय करोगे? और बाय करने से पहले जो अनबॉक्सिंग है रिव्यू वगैरह देख लेना कैसा है क्या है। और उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये निराश नहीं करेंगे तो अच्छा होगा यार, क्योंकि अगर किसी कंपनी से इतनी एक्सपेक्टेशन लगा रखे हो तो बिल्कुल वो फुलफिलमेंट होनी चाहिए। तो उम्मीद तो पूरी है, अब देखते हैं माइक्रोमैक्स आने के बाद में क्या कुछ करता है क्या नहीं करता है। तो डेफिनेटली अच्छा लगा आज, और आपको कैसा लगा इस वीडियो को देख करके, और एक बताना मुझे कि आपकी जो कंपनी है कौन सी फेवरेट है फिलहाल के लिए। माइक्रोमैक्स तो अभी आने वाली है, सैमसंग, रेडमी, रियलमी या फिर ओप्पो, वीवो, असूस, एलजी, कौन सी स्मार्टफोन कंपनी आपकी बेस्ट लगती है आपको मुझे बता दो कमेंट में। और आपने कौन सा सैमसंग माइक्रोमैक्स का स्मार्टफोन यूज़ किया था आज से 6-7 साल पहले वो भी बताना मुझे कमेंट में। बस इतने आज के वीडियो में, मिलता हूँ मैं अगले में, बाय बाय दोस्तों।